सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ बग्गा लिंक बजाज शोरूम जो कि है करोल बाग में। तो आपके सामने मैं खड़ी है न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर F250, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ऑल ओवर जो लुकिंग वाइज है बाइक कैसी लग रही है आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी स्पोर्टी लुक में ये बाइक आपको मिलती है सेमी फेयरिंग में। देख सकते हो आप साइड से जो ग्राफिक्स है इस बाइक में, ड्यूल टोन कलर मिलते हैं रेड विद ब्लैक के साथ में कॉम्बिनेशन है, काफ़ी ज़्यादा शार्प डिज़ाइन दे रखा है इसमें साइड से। बाकी फ्रंट से हम बात करें तो आपको मिल जाता है यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा विंडशील्ड जो कि स्मोक टाइप में है, डार्क शेड में। यहाँ पे आ जाएगी बाइक की फ्रंट नंबर प्लेट और जिसके आरबीएम ग्लासेस है वो फोल्डेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ सेंटर में दिया गया है बजाज का लोगो, ठीक है। और हेडलाइट सेटअप की बात करते हो इसमें मिल जाता है आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट सेटअप और दोनों साइड में DRL लाइट्स। एक बार ऑन करके भी दिखाता हूँ आपको, जैसे हम की ऑन करते हैं तो दोनों साइड में जो DRL लाइट्स है LED वो ऑन हो जाते हैं। और ये इसका प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, फुल्ली LED टर्न इंडिकेटर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। बात करें फ्रंट फेंडर की, जो ड्यूल टोन कलर में फेंडर दिया गया फ्रंट मड गार्ड, यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है आपको ABS ड्यूल चैनल ABS का। फ्रंट ब्रेकिंग की अगर बात करो तो 300 mm की डिस्क है विद ABS और सस्पेंशन के ऊपर में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। क्रीमिका कंपनी का जो कैलिपर्स है वो दिए गए यहाँ पे। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, अगर USD फोर्क दिए होते तो ज़्यादा बेटर होता, बट ये भी हैवी में दिया गया टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो बात कर लेते हैं फ्रंट टायर साइज की, तो इसमें दिया गया 110 सेक्शन का 17 इंच के अलॉय व्हील्स है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो फुल डायमंड कट में है, रेड कलर की स्ट्राइप मिल जाएगी सिल्वर कलर के साथ में, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी ज़्यादा वाइट टायर दिए गए, MRF कंपनी के टायर है, तो जो टायर की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मिलने वाली आपको। ट्यूबलेस टायर दिया गया फ्रंट एंड रियर में। अब बात करते हैं साइड फेयरिंग की, तो यहाँ पे आपने ग्राफिक तो चेक कर ही लिया कितने ज़्यादा चलते हैं और काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पे मिल जाता है आपको पल्सर का 3D में लोगो जो कि डार्क क्रोम फिनिश में है। और पेट्रोल टैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है 14 लीटर्स की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी, जिसके ऊपर में आपको E20 की बैजिंग मिल जाती है। तो सिटिंग पोस्चर इसका काफ़ी बेहतरीन निकल के आ रहा है, एकदम कम्फर्टेबल, ना ज़्यादा लीन है ना ज़्यादा अपसाइड, ठीक है। क्लिप ऑन हैंडल बार है और इसमें दिया गया आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल जो कि आपको N250 में मिलता है, सेम वही इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें भी दिया गया। यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेशन, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मिल जाता है वो 3 राइडिंग मोड, ऑफ रोड रेन मोड और रोड मोड, 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिकेशन की अगर बात करते हैं इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा फीचर मिल जाता है, इंजन मैल्फंक्शन लाइट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है, तो सारे बेहतरीन फीचर मिल जाते हैं। और साथ ही आपको साइड स्टैंड इंडिकेशन की लाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसा फीचर मिल जाता है, जिसमें आपको कॉल SMS अलर्ट का फीचर भी दिया गया है इस बाइक में। तो यानी फीचर की बात करो तो इसमें काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं एक 250 cc सेगमेंट की बाइक में। अब बात कर लेते हैं इसमें स्विच गियर्स की, तो ये है इसका पासिंग स्विच, ये हो गया पासिंग स्विच लो बीम हाई बीम, ठीक है। ये हो गया मेन्यू बटन जिससे आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑपरेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न। और राइट साइड में आते हैं तो ये है रेड कलर का इंजन फ्यूल स्विच, स्पेशल डेडिकेटेड हेडलाइट स्विच दिया गया यहाँ पे, और नीचे की तरफ में सेल्फ स्टार्ट स्विच। तो बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी आपको सुना देता हूँ साथ के साथ। तो सबसे पहले हेडलाइट दिखा देते हैं, तो जैसी बाइक स्टार्ट हो जाती है उसको अपने हेडलाइट ऑन हो जाती है, ये इसका लो बीम हाई बीम, ठीक है। अब बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुन सकते हो, ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट है, काफ़ी बेसी साउंड है, तो काफ़ी हैवी साउंड निकल के आ रहा है। एग्जॉस्ट उसका जो डिज़ाइन है वो यहाँ से चेक कर सकते हो, ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट है, और इस बाइक में मिल जाता है आपको USB चार्जिंग पोर्ट जिससे आप मोबाइल इजीली चार्ज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल दिया गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे की तरफ में आते हैं तो ये बाइक का लेग गार्ड काफ़ी शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट दिया गया है, तो आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। ये है इस बाइक का ऑयल कूलर सिस्टम, यानी इस बाइक में आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, नॉट अ लिक्विड कूल्ड। तो ये हो गया इंजन को ठंडा करने के लिए ऑयल कूलर जाली के साथ में। नीचे की तरफ में मिल जाता है इंजन काउल जो कि फाइबर प्लास्टिक है, ड्यूल टोन कलर में, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक भी मिल जाता है आपको पूरा पूरा फाइबर में ये, और ये एग्जॉस्ट गया है पीछे की तरफ में। तो ये इस बाइक का एग्जॉस्ट जो कि कैटेलिक कन्वर्टर के साथ में है। इंजन के ऊपर मिल जाती है आपको बजाज की ब्रांडिंग, और बात करें इस बाइक में आपको 250 cc का इंजन मिल जाता है।
तो इस बाइक में आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है 24.5 पीएस की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है बाइक 21.5 न्यूटन मीटर का। और ये इस बाइक का ब्रेक पैडल, ठीक है, राइडर फुटरेस्ट स्प्रिंग टाइप पिलियन फुटरेस्ट आपको इस तरीके से मिलता है, फोल्डेबल विदाउट रबड़ ग्रिप। ये इस बाइक का एग्जॉस्ट ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट है, ड्यूल टोन कलर में, सिल्वर विद ब्लैक। ये पूरा फाइबर प्लास्टिक है, मैट फिनिश। बाइक का जो साइड लुक है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर रहा है ग्राफिक की वजह से, ठीक है। इस बाइक में आपको मेन स्टैंड मिल जाता है और साइड स्टैंड भी। अब आते हैं रियर साइड में, बात करें हम रियर ब्रेकिंग की, तो इसमें मिल जाता है आपको 230mm की डिस्क विद ABS। इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। और टायर साइज़ की बात करें तो 140 सेक्शन का टायर साइज़ है, MRF कंपनी के टायर है। टायर साइज़ भी आपको दिखाई दूँ, ये रहा 140/70 सेक्शन का, 17 इंच के अलॉय व्हील्स है। काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर मिल जाता है, ट्यूबलेस है जो कि। ये इस बाइक का टायर अगर गार्ड काफ़ी हैवी क्वालिटी में है, फाइबर प्लास्टिक काफ़ी हैवी है। रियर साइड में जो टेल टाइड है फुल मेटल में दी गई है। यहाँ पे इंडिकेटर्स भाई आपको LED मिलते हैं, यहाँ पे दिया गया रिफ्लेक्टर, छोटी सी लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट विजिबल के लिए, यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट होगी इस जगह पे। ये इस बाइक की फुल्ली LED क्रिस्टल क्लियर टेल लाइट, जिसको ऑन करके भी दिखाऊंगा अभी मैं। तो बाइक में दिया गया स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल्स फुल मेटल में। बाइक के रियर टेल पैनल पे मिल जाती है F250 की स्टिकरिंग, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। यहाँ भी आपको ग्राफिक मिल जाते हैं वही सेम डिज़ाइन में। इस बाइक में आपको स्प्लिट टाइप सीट मिलती है, राइडर सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, एकदम कर्वी शेप में दी गई है और कुशन भी सॉफ्ट है। रियर जो प्लेन सीट है उसमें पल्सर की ब्रांडिंग मिल जाती है 3D में। बाइक के लेफ्ट साइड में दिया गया काफ़ी बड़ा सा सारी गार्ड, प्रोटेक्शन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया दिया गया। ये नेकेड चैन सेट कवर दिया गया फाइबर प्लास्टिक में और काफ़ी बड़ा स्प्रॉकेट मिल जाता है। चैन सेट देख सकते हो काफ़ी हैवी है इसमें, ठीक है। कहीं ना कहीं जो ग्रिप है रोड पे काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाली है। बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में। इस बाइक में जो गियर है वो आपको टोटल 5 गियर मिलते हैं, यहाँ पे स्टिकरिंग दी गई है, पहला डाउन में, बाकी सारे ऊपर लगेंगे, ठीक है। और इंजन पावर मैंने आपको बताई थी, काफ़ी स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन है, क्लच भी इसकी काफ़ी सॉफ्ट है। इस बाइक में जो रियर सस्पेंशन दिया गया वो है 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोसोक सस्पेंशन, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, काफ़ी हैवी सस्पेंशन दिया गया है। लुकिंग वाइज बाइक काफ़ी प्यारी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव, ठीक है। और बात कर ले इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। टोटल कर्वेट है इस बाइक में 162 यानी 162 kg। और अगर माइलेज की बात करें तो इस बाइक से आपको ईजिली मिल जाएगा 35 KMPL का माइलेज। तो फ्रंट से लुक आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त लग रही है बाइक। इस बाइक का जो एक्सोरूम प्राइस है वो है 1,51,000। बाकी ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो 1,80,000 अप्रॉक्स इसका जो प्राइस है ऑन रोड वो पड़ेगा दिल्ली में। इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है तो आप शोरूम से कांटेक्ट कर सकते हो, शोरूम की डिटेल्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।